हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धारिका कैरियर इंस्टीट्यूट की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप और हम राजस्थान भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चाएं कर रहे थे, आज आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही विशेष टॉपिक आ गया है, राजस्थान में जल संरक्षण की विभिन्न विधियां। उससे पहले मैं बता दूं, जितने भी नए विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन, नेक्स्ट क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो समय रहते आप तक पहुंच जाए और ऐसे ही आप अपने अध्ययन से जुड़े रहें, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान में जल संरक्षण को लेके। आप सभी को पता है कि अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान जो है वो हमारे देश के लगभग 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। अगर हम यहाँ देश के सतही जल की बात करते हैं कि देश के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत भाग, तो सतही जल का 1.16% जो भाग है वो हमारे राजस्थान में विद्यमान है। और इसी दृष्टि से जब भी हम कृषि वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें एक बिंदु मिलता है सिंचाई परियोजनाओं को लेके, और वहां पर अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो राजस्थान का सर्वाधिक जो सिंचित जिला है, इस प्रकार का कोई प्रश्न, या फिर सिंचाई के जो विभिन्न साधन हैं उन प्रकार के कई प्रश्न जो है वो हम देखते हैं। अगर यहाँ सिंचाई साधनों की बात की जाए तो राजस्थान में जो सिंचाई के साधन हैं उनमें दोस्तों कुएं, नलकूप, नहरें और तालाब। अब ये विभिन्न जो साधन हैं जिनके द्वारा हम सिंचाई कार्य करते हैं, तो देखिएगा कुएं और नलकूप के द्वारा अगर सर्वाधिक जो सिंचाई कार्य पूछा जाता है तो ये संबंधित रहेगा जयपुर से। अगर नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कार्य पूछा जाता है तो ये संबंधित है गंगानगर से, और तालाबों के द्वारा अगर पूछा जाता है तो ये भीलवाड़ा। वे जिले जिनमें सर्वाधिक सिंचाई कार्य तालाबों के द्वारा किया जाता है तो यहाँ पर भीलवाड़ा है, नहरों के द्वारा अगर पूछा जाता है तो गंगानगर, और कुएं और नलकूप के द्वारा पूछ लिया जाता है तो जयपुर। अब इनके अतिरिक्त अगर हम तालाबों के बाद भी देखें तो विभिन्न जो शब्दावलियां हैं वो जल संरक्षण के संदर्भ में पूछ ली जाती हैं, जैसे नाड़ी से प्रश्न बना हुआ है, खड़िन से प्रश्न बना हुआ है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों एक विशिष्ट शब्दावली खड़िन। खड़िन क्या है? तो खड़िन एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, परंपरागत जल संरक्षण की विधि। परंपरागत जल संरक्षण की ये जो विधि है बनाई कैसे जाती है, तो देखिएगा मरुस्थलीय जो प्रदेश हैं इन मरुस्थलीय प्रदेशों में जो बालुका स्तूप होते हैं, इन बालुका स्तूपों में जो ढालू भाग हैं, इन ढालू भागों पर कृत्रिम अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है, और कृत्रिम अवरोध उत्पन्न करके वर्षा जल का संग्रहण कर लिया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा का जो जल एकत्रित हो जाता है, इस क्षेत्र में बनने वाले जो छोटे जलाशय होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं खड़ी। तो परंपरागत जल संरक्षण की विधि तैयार कैसे की जाती है? ढालू भागों पर अवरोध उत्पन्न करके, ढालू भागों पर अवरोध उत्पन्न कर तैयार किए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं खड़िन। और अगर प्रश्न बनता है कि भारत में किस क्षेत्र के खड़िन प्रसिद्ध हैं, तो देखिएगा सर्वप्रथम इस प्रकार के जो खड़िन बनाए थे ये बनाए थे जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने। पालीवाल जो ब्राह्मण हैं, इन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम खड़िन को तैयार किया गया था। जनरली जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश को पढ़ रहे होते हैं तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में जो बालुका स्तूपों के मध्य में
निम्न भूमियां होती हैं जिन्हें हमने कहा था सर अथवा मरहो। जबकि ने सर अथवा मरहो अथवा तिल्ली जिसको कि निम्न भूमि कहा है, वर्षा जल एकत्रित हो जाता है, तो वर्षा जल एकत्रण के बाद में जो नमीयुक्त भूमि रहती है इस भूमि को भी खड़ी कहा जाता है, क्योंकि खड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है खड़ने योग्य, और जो नमीयुक्त भूमि होती है उसमें खड़न क्रिया के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, तो कृषि का एक स्वरूप भी देखा जाता है जो मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है जिसे हम खड़ी में कह देते हैं। तो दोस्तों ये पहला वर्ड था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो सर्वाधिक पूछ लिया जाता है। इसके बाद में अगला जो वर्ड आता है ये आ जाता है नाड़ी। नाड़ी का शाब्दिक अर्थ है छोटी तलैया, छोटे जो तालाब होते हैं इन्हें स्थानीय भाषा में कहा जाता है नाड़ी, जलाशय ये कहलाते हैं नाड़ी। इसके बाद में टोबा, टोबा भी एक जलाशय है नाड़ी के समान, नाड़ी के समान किंतु अपेक्षाकृत गहरा जलाशय, नाड़ी के समान किंतु अपेक्षाकृत जलाशय, कि कुछ जलाशय हैं जो नाड़ी से अधिक गहरे हो जाते हैं, इस प्रकार के जलाशय को यहां पर टोबा कह दिया जाता है। इसके बाद जो अगली शब्दावली आती है दोस्तों ये आती है नेहटा या नेष्ठा। नेहटा या नेष्ठा भी नाड़ी अथवा तालाब के अतिरिक्त जल निकास हेतु, अतिरिक्त जल निकास हेतु बनाया गया मार्ग। तो यहां पर जो नेहटा अथवा नेष्टा आ रहा है यह एक मार्ग को इंगित करता है, बनाया गया मार्ग, ये मार्ग को इंगित कर रहा है कि मान लीजिएगा यहां कोई नाड़ी है और इस नाड़ी का जो अतिरिक्त जल है जब ये भर जाती है तो जब किसी रास्ते के द्वारा इसको किसी दूसरी नाड़ी में छोड़ा जाता है अथवा इसको कहीं खेतों में छोड़ा जाता है तो इस भाग को हम क्या कह देंगे यहाँ पर नेहटा अथवा नेष्टा कह देंगे। ये एक मार्ग है जो नाड़ी के अतिरिक्त जल को अपवाहित करके किसी दूसरी नाड़ी में छोड़ता है अथवा खेतों में छोड़ देता है, तो ये कहलाता है दोस्तों नेहटा या नेष्टा। यही मैं बात करना चाहूंगा कि एक और भी वर्ड पढ़ा था हमने, सिमिलर वर्ड है, मिलता जुलता वर्ड है, और इस वर्ड के लिए नेहड़, नेहड़ क्या है हम अपने पिछली कक्षा में राजस्थान के जब भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तब आपने लूनी नदी बेसिन के जो दलदली क्षेत्र थे उनके बारे में पढ़ा होगा कि लूनी नदी के द्वारा निर्मित जो दलदली क्षेत्र हैं इनको नेहड़ अथवा रेल भी कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण शब्दावली है दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित। अब देखिएगा नेहटा के बाद में अगला जो शब्द यहाँ बनता है ये आ जाता है आगोर अथवा पायतान, आगोर अथवा पायतान वह आंगन जिसमें वर्षा जल का संग्रहण किसी टांके अथवा जलाशय में उतारने हेतु किया जाता है। तो ये एक आंगन है दोस्तों यहां पर
कि एक ऐसा आंगन जिसमें वर्षा जल का हम संग्रहण करने वाले हैं। और संग्रहण क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें इसको किसी टांके, जैसा कि मकानों में बनाए गए जो पक्के होज होते हैं, इनको स्थानीय भाषा में यह टांके कहा जाता है, तो किसी टांके अथवा जलाशय में उतारने के लिए जिस आंगन में हम जल एकत्रित कर देते हैं, इसको कहा जाता है आगोर अथवा पायदान। ये पक्के होते हैं, इन्हें मजबूत बनाया जाता है। लेकिन अगर ऐसी कुछ भाग जो खेतों में, जिनमें हम जो तली है वो कच्ची तली के रूप में, कच्ची भूमि के रूप में देखते हैं, तो उनके लिए भी एक शब्द काम में रहते हैं दोस्तों, इन्हें कहा जाता है मदार। मदार, मदार एक उच्च भूमि है, वह उच्च भूमि जिसका जल किसी तालाब में एकत्रित होता है, ऐसी जो उच्च भूमियां होती हैं, जैसे मान लीजिएगा कि यहां पर कोई तालाब है, और हम जब भी नरेगा कार्यक्रम को देखते हैं अपने आसपास, तो जोहड़ जो तैयार किए जाते हैं, बीच में से जो केंद्र होता है वो काफी गहरा होता है, और इसके जितने पार्श्व भाग होते हैं, ये ऊंचाई के ढालू भाग बनाए जाते हैं, तो ये जितने भी ढालू भाग हैं जहाँ का जल आकर इस जलाशय में एकत्रित हो जाता है, तो ऐसी जो भूमियां होती है, इन भूमियों को दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जाता है? मदार कहा जाता है। इसके बाद अगला जो वर्ड आ जाता है यहाँ पर, ये आता है झालरा। झालरा जो है ये उच्च पर्वतीय भागों में बनते हैं, और उच्च पर्वतीय भागों में जल रिसाव के द्वारा, उच्च पर्वतीय भागों में जल रिसाव से निर्मित जलाशय, इन जलाशयों को क्या कहा जाता है यहाँ पर? झालरा कहा जाता है। जिनका प्रयोग अगर देखें तो ऐसे जलाशयों का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान कार्य के लिए, धार्मिक अनुष्ठान कार्य हेतु किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर प्रसिद्ध है जोधपुर का महा मंदिर झालरा। कहा जाता है कि राव जोधा जी ने जोधपुर में अनेक यहां पर झालराओं का निर्माण करवाया। जैसे एक महामंदिर झालरा आ जाता है, प्रसिद्ध है भी कहां का, तो जोधपुर का जो महामंदिर झालरा है, यहां पर भी धार्मिक अनुष्ठान कार्य वगैरह करवाए जाते हैं। अब ये जितने भी हमने पढ़े हैं, यहाँ एक शब्द आ रहा है दोस्तों बार बार कि वर्षा जल का एकत्रण किया जाता है, तो वर्षा जल को क्या कहेंगे? सामान्यतः एक शब्द और आ जाता है अपने लिए, पालर पानी। पालर पानी, कहीं कहीं इसे पालरा पानी भी कहा जाता है। तो वर्षा का जो जल है, इसे स्थानीय भाषा में वर्षा जल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हम कह देंगे कि इसको पालर पानी कहा जाता है, कि वर्षा का जो जल होता है, इसे स्थानीय भाषा में पालर पानी कहते हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान में जल संरक्षण से संबंधित कुछ विशिष्ट शब्दावलियां हो जाती हैं। धन्यवाद।